कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज बहुत दिनों के बाद कुछ हमारी मसरूफियात थी, कुछ मैं थोड़ा बिज़ी होने के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाया। काफ़ी दिनों से मैं बिज़ी था, कुछ एग्ज़ाम्स थे और कुछ मैं खुद की मसरूफियात थी, कुछ मैं मसरूफ था, कुछ बहुत ज़्यादा मतलब बिज़ी होने के कारण मैंने वीडियो नहीं डाला। तो आज हम देखेंगे कानून में मुस्लिम विवाह यानी मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 जो कि कब पारित हुआ। ये राष्ट्रपति की जो स्वीकृति मिली वो 31 जुलाई सन 2019 को प्राप्त हुई तथा अधिनियम भारत का राजपद असाधारण भारत 2 खंड 1 दिनांक 31 जुलाई 2019 पर प्रकाशित किया गया। तो ये जो मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम है तो इसका क्या है? विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा करने हैं और पतियों द्वारा तलाक की उद्घोषणा द्वारा विवाह विच्छेद का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक विषयों का उपलब्ध उपबंध करने के अधिनियम है। भारत गणराज्य के 70वें वर्ष में संसद द्वारा यह अधिनियम पारित हुआ। अब इसका प्रारंभिक थोड़ा सा समझ लेते हैं, प्रारंभिक क्या है, संक्षिप्त नाम और सारे इसको प्रारंभ समझते हैं। इस अधिनियम का जो नाम है मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 है, जो मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया था। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में होगा। यह 19 सितंबर 2018 को लागू हुआ समझा जाएगा, मतलब 2019 को यह पारित हुआ था। लेकिन उससे पहले 2018 से यानी 19 सितंबर 2018 से को लागू हुआ समझा जाएगा। इसके परिभाषा समझ लेते हैं। इस अधिनियम में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, जैसे पहला पॉइंट समझेंगे, इलेक्ट्रॉनिक रूप का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का धारा 21 यानी कि 2000 का 21 की धारा 2 की धारा 1 के खंड द में उनका है, उसका है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, मजिस्ट्रेट से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का 2 के अधीन उस क्षेत्र में जहां विवाहित मुस्लिम महिला निवास करती है अधिकारिता का प्रयोग करने वाला प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिप्रेत होगा। और तीसरा पॉइंट देखेंगे, तलाक से तलाक के विद्रत या तलाक का कोई अन्य समान रूप अभिप्रेत है जिसका प्रभाव किसी मुस्लिम पति द्वारा उद्घोषित तुरंत या और अप्रतिसंधारणीय विवाह विच्छेद है। अब इसका दूसरा अध्याय, पहला अध्याय जो हमने बताया यह पहला अध्याय था। दूसरा अध्याय क्या है? तलाक की घोषणा का शून्य और अवैध होना। तलाक का शून्य और अवैध होना क्या है? किसी मुस्लिम पति द्वारा उसकी पत्नी के लिए शब्दों द्वारा, चाहे वे बोले गए हों, लिखित हों या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो, किसी अन्य रीति में हो, चाहे कोई भी हो, तलाक की उद्घोषणा कोई उद्घोषणा शून्य और अवैध होगी। तलाक की उद्घोषणा करने के लिए दंड यानी तलाक की यानी यहाँ पे जो तलाक का शून्य कब किसी कंडीशन होगा, किसी कंडीशन होगा, किसी मुस्लिम पति द्वारा उसकी पत्नी के लिए शब्दों द्वारा, चाहे वे बोले गए हों, लिखित हों, इलेक्ट्रॉनिक रूप में हों, किसी अन्य रीति में हो, चाहे कोई भी हो, तलाक की कोई उद्घोषणा शून्य और अवैध होगी। कोई भी उद्घोषणा, किसी भी तरह की उद्घोषणा की जाती है तो वो शून्य मानी जाएगी। तलाक की उद्घोषणा करने के लिए दंड, ये बात समझेंगे, यानी तलाक की उद्घोषणा करने के लिए दंड क्या है? कोई मुस्लिम पति दो अपनी पत्नी को धारा 3 में निर्दिष्ट रीति में तलाक की उद्घोषणा करता है, ऐसी अवधि में कारावास से जो 3 वर्ष की हो सकेगी दंडित किया जाएगा या जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यानी उसको उसको जो है उसको दंडित भी किया जाएगा, कितने वर्ष की, 3 वर्ष की कारावास से दंडित किया जाएगा या उसे जो है सजा यानी जो उसका जुर्माना भी लगाया जा सकता है। फिर अब आता है अध्याय 3, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय देखेंगे, विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा, यानी पांचवा। अब इसका देखें, निर्वाह भत्ता तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी
कोई ऐसी विवाहित मुस्लिम महिला जिसके लिए तलाक की उद्घोषणा की गई हो अपने पति से स्वयं के लिए आश्रित संतानों के लिए ऐसी रकम का निर्वाह भत्ता करने के लिए हकदार होगी जो मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित किया गया हो। यानी मजिस्ट्रेट जो तय करेगा वो उसको भत्ता मिलना चाहिए। फिर अवयस्क संतानों की अभिरक्षा, तस्मात् प्रवत किसी अन्य विधि में अंतर्विदिश किसी बात के होते हुए कोई विवाहित मुस्लिम महिला उसके पति द्वारा तलाक की उद्घोषणा किए जाने की दशा में ऐसी रीत में जो मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित की जाएगी अपनी वयस्क अवयस्क संतानों की अभिरक्षा के लिए हकदार होगी। यानी जो मजिस्ट्रेट तय करेंगे वही उसी के लिए वो उसी के अनुसार वो हकदार बनेगी। फिर आता अपराधों का संज्ञेय शमनी आदि होना, यानी दंड प्रक्रिया 1973 की किसी बात के होते हुए इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध तब संज्ञेय होगा यदि अपराध के किए जाने से संबंध इतला किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को उस विवाहित मुस्लिम महिला जिस पर तलाक की घोषणा की गई है या उससे रक्त या विवाह द्वारा नातेदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है। यानी ऐसी कंडीशन में, यानी जो संबंधी जब तक पुलिस थाने में नहीं होगा तो इस तरह कंडीशन नहीं हो सकती। इस अधिनियम के इसका पहला पॉइंट क्या था जो हमने बताया, दूसरा पॉइंट क्या था, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध उस विवाहित मुस्लिम महिला की पहल पर जिस पर तलाक की उद्घोषणा की गई है मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा से निबंधों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो मजिस्ट्रेट अवधारित करे शमनी होगा। जो मजिस्ट्रेट तय करेगा, यानी अब जो मुस्लिम महिला जो जिस इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध उस महिला की पहल पर जिस पर तलाक की उद्घोषणा की गई है मजिस्ट्रेट जब तक उस पर फैसला नहीं देगा, मजिस्ट्रेट कोई बात नहीं कहता है तो मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा से यानी निबंधों और शर्तों के अधीन रहते हैं, जो शर्तें हैं उसके अधीन रहते हुए मजिस्ट्रेट जो अवधारित करेगा वही सामने वाली मान्य होगा। इस अधिनियम अब तीसरा पॉइंट देखेंगे इसमें, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा। यहाँ बात सुनिए, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को जो इसने दंड किया जिसने तलाक दिया है अभियुक्त को जमानत पर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक अभियुक्त द्वारा फाइल किए गए आवेदन और उस पर विवाहित मुस्लिम महिला जिस पर तलाक की घोषणा की गई है सुनवाई करने के पश्चात मजिस्ट्रेट का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसे व्यक्ति को जमानत प्राप्त करने के लिए युक्ति आधार, यानी जो सिस्टम है यानी अगर वो सही पाया जाए तभी उसको जमानत मिलेगी और जमानत नहीं मिलेगी जल्दी से। फिर आता है निरसन और व्यवहारवृत्ति, यानी मुस्लिम विवाह अधिकार अधीक्षण संरक्षण दूसरा अध्यादेश 2019 का अध्यादेश 4 का निरसन करता है। ऐसे निरसन होते हुए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण द्वारा अध्यादेश 2019 के अधीन की गई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन समझी जाएंगी। यानी जो भी चीज़ें होंगी वो 2019 में जो कानून पारित हुआ वो उस पर मान्य की जाएंगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।